तो भैया दंगलन का जो ट्रेलर है वो आए महीना भर हो चुका है, और उसके अंदर का आपने रिव्यू या फिर उसका ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा। उसके अंदर विक्रम जी ने क्या ही तगड़ी एक्टिंग की है, और इनके बारे में हम और जानने वाले हैं। मुझे तो नहीं पता कि ये पिक्चर फ्लॉप जाएगी या फिर हिट जाने वाली है, लेकिन मुझे आशा है कि इनकी एक्टिंग दमदार होने वाली है, क्योंकि ये बंदे एक्टर ही वैसे हैं और ये मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं भाई ये कैरेक्टर, क्योंकि इनकी एक्टिंग इतनी तगड़ी है। इनकी एक्टिंग का तो मैं कायल हूँ भाई, क्या ही एक्टिंग करते हैं, चाहे वो अपरिजीत हो चाहे आई मूवी हो। इन्होंने पूरा दिल दहला दिया, तो रूह कपा दिया था मेरा। और आइए इनकी पिछले ही मूवीज का हम रिव्यू करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो क्या आप भी एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बता देना। विक्रम, इनका रियल नेम है जॉन विक्टर, और पता नहीं क्यों भाई ये विक्रम नाम चल रहे हैं। जॉन विक्टर काफी ज्यादा यूनिक नाम है भाई बॉलीवुड के अंदर, टॉलीवुड के अंदर। अरे हाँ भाई, हाँ टॉलीवुड के अंदर। इन्होंने अभी तक 41 से ज्यादा मूवियां करी हैं, जिसके अंदर अगर इनकी बात की जाए 5 हाईएस्ट ग्रोइंग मूवीज के बारे में, तो वो है पीएस पार्ट 1, पीएस पार्ट 2, उसके बाद आने जिसे हम अपरिजित के नाम से जानते हैं, फिर आता है आई मूवी, और आखिरी में आता है इंटरनेशनल राउडी। तो ये मूवीज ने इनकी हाईएस्ट ग्रोइंग मूवियों में आती है, और मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि ये पांचों के पांचों मूवी मैंने देख रखी है। भले ही इनके पिता एक एक्टर थे, लेकिन ये सफल एक्टर नहीं थे, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में एक एक्टर बनने के लिए। और इनको अपनी एक्टिंग के लिए पुरस्कार मिला था, जो कि इन्हें अब्दुल कलाम ने दिया था। जिस सुपरस्टार के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, एक समय ऐसा आया था कि उस समय ये इनकी हालत इस प्रकार बिगड़ी थी कि इनका पैर काटने तक का नौबत आ गया था। क्या हुआ था कि ये अपनी कॉलेज के दिनों में जब अवार्ड जीत के अपनी गाड़ी पर जा रहे थे अपने दोस्त के साथ, तभी से पीछे से एक गाड़ी आती है जो इन्हें ठोक देती है, जहाँ पर इनके पैर की जो हड्डियाँ होती है वो टूट जाती है, और इनकी शक्ल जो था वो बिगड़ चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि इनका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन इनकी माताजी ने ये इनकार किया, और 3 साल के बेड रेस्ट के बाद ये अपने पैरों पर फिर से खड़े हो पाए। तो हमारे डेसिंग हीरो को पहली पीली पिक्चर मिलती है लव स्टोरी वाली, जो कि बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप जाती है, और दूसरी भी उनको वही मिलती है जो कि फिर से फ्लॉप जाती है। उसके बाद ये अपनी साइड चेंज करते, लेकिन फ्लॉप पिक्चरों ने उनका पीछा उधर भी नहीं छोड़ा। एक्टर बनने आए विक्रम को अब डबिंग का काम करना पड़ रहा था, लेकिन वो उस काम से भी अपना नकारते नहीं थे, उस काम को भी वो उस वही रिस्पेक्ट देते थे जो कि वो एक्टिंग को देते थे। अभी तक विक्रम को इंडस्ट्री में 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक एक भी हिट मूवी नहीं मिली थी। उसके बाद इनको एक मूवी मिलती है सेतु, जिसको बनने में लगभग 2 साल का समय लगा था, क्योंकि उस समय ऐसी मंदी आ चुकी थी, और वो उस बीच कोई दूसरी मूवी साइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका लुक बिगड़ सकता था। जैसे जैसे इन्होंने 2 साल काटा, उस मूवी को बनाया, लेकिन कोई भी थिएटर उसको रिलीज करने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी भी थिएटर के रिलीज ना करने पर इसके डायरेक्टर ने खुद ही उसको रिलीज करने के बारे में सोचा। जब ये थिएटर के अंदर पहुंचे तो देखा कि सारे जो थे सीट खाली थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा हुआ कि सबके सब पिक्चर देखने आ रहे थे, सभी सहार रहे थे, और ये बनी इनकी हाईएस्ट ग्रोइंग पिक्चर उस समय की, और उस समय से नाम बन गया विक्रम का। इस मूवी का रीमेक भी बन चुका है बॉलीवुड के अंदर, जिसका रीमेक बनाया है सलमान खान ने। अगर आपने तेरे नाम मूवी देखी होगी तो वह इसी मूवी का रीमेक वर्जन है। तो विक्रम जी के एक्टिंग को देखकर मुझे लग रहा है ये मूवी पक्का हिट जाने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं।